अब वही मैं चाह रहा हूँ जी, देखिए सरकार कितना जागरूक है, जबकि मृत आदमी को भी पोस्टिंग किया जा रहा है, शेखपुरा में पोस्टिंग किया गया उन्हें, शेखपुरा में उनके मृत्यु के बाद, हाँ मृत्यु के बाद कल किया गया, कल 8/3/2021 को पोस्टिंग किया। स्वास्थ्य विभाग में फिर से एक जो घोटाला कहे जो कुछ भी कह ले फिर से हुआ है, क्या कुछ हुआ है, मामला क्या है? मामला है ये शेखपुरा में पदस्थापन का, शेखपुरा में सिविल सर्जन का पोस्टिंग कल कराया गया 8/3 को, और उनकी मृत्यु जबकि पता मैंने किया जी कि वो भाई कौन है कहाँ है, वो आए यहाँ जल्दी सा, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैंने वहाँ सिविल सर्जन रोहतास से बात किया तो उन्होंने बताया जी कि इसे उनकी मृत्यु फरवरी में ही कोरोना से हो गया है। अब वही मैं चाह रहा हूँ जी, देखिए सरकार कितना जागरूक है, जबकि मृत आदमी को भी पोस्टिंग किया जा रहा है। उनकी पोस्टिंग पहले रोहतास में थी, उसके बाद से उनकी कहाँ पर? जी शेखपुरा में पोस्टिंग किया गया उन्हें, शेखपुरा में उनके मृत्यु के बाद, हाँ मृत्यु के बाद कल किया गया, कल 8/3/2021 को पोस्टिंग किया गया। ये आपके पास देखिए यहाँ है डॉक्टर राम नारायण राम है, भोजपुर घर है इनका, 5822 बरेता है, चिकित्सा पदाधिकारी पहले स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज में थे, सिविल सर्जन शेखपुरा इनका पदस्थापन किया गया, यही है नए पदस्थापन, देख लीजिए 8/3/2021 कल है। मतलब अब बिहार में जो सरकार है वो मरने के बाद, मरने के बाद इसी से पता चल रहा है कि इसे कितना घोटाला है से हो गया है। अब मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि मृत से भी सरकार काम लेना जानती है, यही सरकार का मुद्दा है। आप सोच सकते हैं क्या हाल है, तो स्पष्ट रूप से आप सुन रहे हैं कि जिस तरह से राजद का विधायक हैं, यह इनका कहना है कि जो मृत्यु जो डॉक्टर हैं वो मर गए हैं रोहतास में, उनकी कोरोना से डेथ हो गई थी, उसके बावजूद भी उनकी कल पोस्टिंग हो गई है। उस ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से बिहार में कई जो घोटाले हैं स्वास्थ्य को लेकर सामने आते हैं और तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आते हैं, लेकिन आज फिर से विधानसभा में एक नया मामला निकलकर सामने आया है कि जो डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी है पहले ही कोरोना से, उसके बावजूद भी उनकी पोस्टिंग हो रही है। ऐसे में यह जो सवाल है यह बड़ा सवाल है, और देखने वाली बात यह होगी कि सदन में आज इसको लेकर क्या कुछ मामला खड़ा होता है, क्या कुछ बवाल होता है। तब तक के लिए बने रहिए इस इंफॉर्मेशन के साथ, नमस्कार।